सबसे पहले दिशा बंद करेंगे, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 9 वीक्स यू आर डूइंग अ साधना. अगले 9 हफ्ते तक आपको पूरा बदलना है अपने आप को. यू आर डूइंग अ साधना फॉर द नेक्स्ट 9 वीक्स. सो व्हाट यू शुड डू, दिशा बंद, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपको हाथ में कड़ा पहनना है, दोनों हाथों में इस तरीके का, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, मोटा होना चाहिए, इट हैज टू बी, यस 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 यस, बिल्कुल सही दिखा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है. हाँ, तो ऐसा कड़ा होना चाहिए, मोटा, कॉपर सिल्वर गोल्ड, चलेगा, बेंगल्स दोनों हाथ में, हाँ बेंगल्स भी चलेगा. इट शुड बी लिटिल हेवी, थोड़ा हेवी हो ना तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं है तो 2 डाल लो, है ना, नहीं है तो 2 डाल लो. अच्छा, पाँव में भी हसली चाहिए, कड़ा चाहिए, अगर कोई भारी पायल है विदाउट दैट झुंझुना तो आप पहन लीजिए, बट थोड़ा टाइट पहनेंगे, है ना, हसली हो तो अच्छा है, पाँव में हसली चाहिए. दिशा बंद करना, तभी आपके पूरे स्केलेटल सिस्टम पे असर आएगा. हमें कोई मर्म है जो यहाँ पे मणिबंध और पाँव में मर्म होते हैं, वो हमारे को चाहिए कि उसको हिट होता रहे हमेशा, हमेशा एक मेटल वहां लगना चाहिए. मेटल क्या होना चाहिए? कॉपर सिल्वर और गोल्ड, है ना, नहीं तो आप खरीद के लेके आ जाए. मेल्स के लिए कॉपर ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर उनके पास पड़ा हुआ है तो एक अलग बात, कॉपर ज्यादा फायदेमंद है थेरेपी के लिए, बाकी भी अच्छी चीज है, गोल्ड और सिल्वर अच्छा हो. एल्यूमिनियम गलती से भी नहीं डालना, आर्टिफिशियल नहीं डालना, है ना, आर्टिफिशियल की जरूरत नहीं है. पहली चीज दिशा बंद, दूसरी चीज भूमि बंद, ये एक चीज, एक मैं डालना ही भूल गया. सो एक चीज जो आपको कमर पे बांध के रखना, पहले हम क्या होते था, हम कमर बंद करके रखते थे हमेशा, कमर बंद करके रखेंगे ना तो आपके पूरे शरीर के ज्वाइंट पे असर आता है. मैं आपको दिखा देता हूं, तो एक 2 बित्ते का कपड़ा, जैसे चुन्नी होती है ना कॉटन, कॉटन का कपड़ा, 2 बित्ते का कपड़ा रखना है अपने अपने पास में, और 5 गज यानी साड़ी के जितना लंबा होना चाहिए, 3 बार लिपट जाना चाहिए. ऐसा कोई कपड़ा हो, 2 बित्ते का कपड़ा रखो, ये तो ज्यादा चौड़ा है, थोड़ा 2 बित्ते का कपड़ा हो, इतना चौड़ा, इतनी चौड़ाई में चलेगा, इतनी चौड़ाई हो ना चलेगा. फिर उसको ऐसे से लपेट लो, बेल्ट बना लो. बेल्ट बना के कैसे लपेटना है, कमर बंद कैसे करना है, सबसे पहली चीज स्टार्ट कहां से होगा, नाभि के नीचे, यहां से शुरू होगा, सर्कुलर मोशन यानी क्लॉकवाइज मोशन में ही लपेटना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं लपेटेंगे, क्लॉकवाइज में लपेटेंगे, ठीक है ना. यहां से चालू होगा तो ऐसे करके पीछे जाना चाहिए, ऐसे बंद आएगा, ऐसे जाना चाहिए. ये पहला सर्कल आपने किया नाभि के नीचे, पहला सर्कल आपने किया, यहां पे गांठ बांध लो, पहला सर्कल किया, हल्का सा ऐसे ट्राई करके नाभि के नीचे पे आ जाए, पहली गांठ यहां पे आ जाएगी नाभि के नीचे, और फिर लिपट जाएगा, फिर लिपट जाएगा. कम से कम 3 सर्कल के बाद में लास्ट जो है उसको पीछे खोसना है, बिहाइंड, पीछे टैग करना है, पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा ना, वहां हल्का सा प्रेशर लगना चाहिए, आप बैठेंगे तो हल्का सा प्रेशर लगना, वो अपने को चाहिए, उससे पूरा का पूरा स्पाइन रिजुवनेट होगा, रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी रिजुवनेट हो. अभी आजकल लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कमर बंद नहीं मान रहे. हम लोगों ने कभी भी पैंट वगैरह, पजामा ये सब नहीं बनाया था इस कल्चर में, क्यों? क्योंकि आप धोती या साड़ी से ना बांध सकते, कहीं भी टैग कर सकते. तो राइट पांव सपोज करो कमजोरी आ गई किसी की, तो राइट साइड में गांठ लगाई जाती थी, कमर दर्द हो गया तो कमर के पीछे थोड़ा ज्यादा गांठ होनी चाहिए थी, ऐसा इंश्योर किया जाता था. लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड में गांठ लगाते थे. तो ये मर्म है जो अगर लगातार प्रेशर होते रहे, दबते रहे, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये छोड़ दिया, तो अगले 9 हफ्ते तक आपको कमर बंद लगाना, अंदर शरीर पर लगा दीजिए, कॉटन का कपड़ा लेना है और कोई दूसरा कपड़ा नहीं लेना. कमर में सुबह नहा लिया, नहाने के बाद में कमर बंद लगाया, उसके ऊपर आप अपना सूट पहनो, साड़ी पहनो, टी शर्ट, शर्ट, पैंट, जो बने मर्जी पहनो. 9 हफ्ते तक कमर बंद के बगैर नहीं जाएंगे, जैसे भूमि बंद कहते हैं. ये 2 बंद चाहिए, दिशा बंद और भूमि बंद, ये हमको करना. दूसरी चीज, द मोमेंट यू गेट अप, सबसे सुबह उठते ही सबसे पहली चीज क्या करनी, मार्केट से लेके आइए धनवंतरम ऑयल. कौन सा तेल? धनवंतरम तेल, नहीं तो घर में जो भी है थोड़ा गर्म ऑयल, सरसों का तेल चलेगा, पीली सरसों का तेल चलेगा,
अगर आपको स्किन इश्यू है तो तिल का तेल नहीं लगाना, नहीं तो तिल का तेल लगा सकते। ये अगले 9 हफ्ते तक आपको रोज करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है, ऑयल मसाज। कितना मसाज करना, बहुत ज्यादा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा ऑयल लेना है सामने वाला फ्रंट बॉडी में, डाउन स्ट्रोक, नीचे की तरफ स्ट्रोक लगेगा, हाथों में बाहर की तरफ स्ट्रोक लगा के मसाज करना, यहां शरीर पे नीचे की तरफ लगेगा, पांव में सामने की तरफ, नीचे की तरफ लगेगा। बॉडी के पीछे किसी का सपोर्ट ले लें कभी कभी, रोज करने की जरूरत नहीं है, जितना होता उतना कर लें, लेकिन हफ्ते में 2 बार किसी का सपोर्ट ले लें। तो ऐसे लेट जाएंगे और पीछे से ना अपवर्ड स्ट्रोक होना चाहिए, डाउनवर्ड स्ट्रोक नहीं होना चाहिए। मसाज का क्या रूल है, फ्रंट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड स्ट्रोक, बैक ऑफ द बॉडी अपवर्ड स्ट्रोक। रीढ़ की हड्डी पे कैसे जाएगा, ये दोनों हाथ के जो पार्ट्स है ना, ये रीढ़ की हड्डी के साइड में और ऊपर की ओर स्ट्रोक लगेगा, ऊपर की ओर स्ट्रोक लगेगा। तो ऐसे मसाज आपको रोज करना है, 2 दिन कम से कम, किसी दूसरे का टेक सपोर्ट ऑफ समबडी एल्स फॉर द बैक साइड, पीछे की तरफ 2 बार नहाएंगे आप। सुबह आप थोड़ा मसाज किया, जाके नहा लीजिए, थोड़ा हल्के हल्के शरीर में पानी के साथ में मसाज करना है, साबुन नहीं लगाना। अगले 9 हफ्ते तक नो सोप नो शैम्पू, साबुन शैम्पू नहीं चलेगा, सुबह आपको नहीं लगाना। दूसरी बार कब नहाना है, रात में नहाना। रात में क्या करेंगे, उबटन लगाएं, मुल्तानी मिट्टी लगाओ, शीकाकाई रीठा सिर पे लगा सकते हैं, नेचुरल चीजें अवेलेबल है, आपको शरीर पे केमिकल नहीं डालना अगले 9 हफ्ते तक। दिस इज अ साधना पीरियड, इसमें आप कोई केमिकल नहीं डालेंगे, ठीक है जी। तो कोशिश कीजिए किसी भी तरीके का सोप शैम्पू या कॉस्मेटिक आइटम्स में भी केमिकल ना डालें, नेचुरल ले लें। अनुराधा जी लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको जबरदस्ती याद करा देंगे, आप साथ में रहिए, है ना, आप साथ में रहिए बस। तो ये शुरुआत ऐसे होना चाहिए दिन का, सुबह उठे थोड़ा मसाज किया, जाके नहा लिया, अभी पॉटी वॉटी आने की वेट नहीं करना, जाके नहा लिया, ब्रश कर लिया, जब वो आएगा तो अपने टाइम पे आएगा। नहाने के बाद में कमर बंद लगाया, क्लॉकवाइज रोटेशन ये जरूर ध्यान रखना, पहला गांठ सामने और लास्ट वाला टक इन पीछे, जैसे धोती पहनते हैं ना, साड़ी भी पहले पहनते थे, टक इन पीछे होना चाहिए, थोड़ी सी मोटा हो पीछे, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में हल्का सा प्रेशर लगा रहे, ज्यादा अनकंफर्टेबल ना करें, बहुत टाइट नहीं बांधेंगे, बहुत लूज भी नहीं बांधें, तो जितना आप आराम से झेल सकें, कंफर्टेबल हो वैसा बांध। अब पहले पार्ट में जैसे हर एक क्लास में हम अलग अलग चीज सिखाते हैं, तो इस क्लास में क्या सिखाना है, इस क्लास में 2 चीज, ये चीज पहले सीखिए, फिर जैसे आप अगली क्लास में जाओगे उसमें अगली चीज आपका कस्टमाइजेशन कर देंगे, जिन्होंने शुरुआत से किया था अगली क्लास में उनका कस्टमाइजेशन कर। तो 2 चीज आज सीखेंगे। अच्छा, अब ये 2 चीज करने के लिए आपका जहां पर भी पेन होता है, बॉडी ज्यादा पेन है, जैसे रिस्ट में ज्यादा पेन है, तो क्या करना है, आप थोड़ा एक बैंड लेके आ जाओ, ऐसे रिस्ट बैंड, ये दोनों हाथ में लगा के ही आपको ये करना है। अच्छा, रिस्ट बैंड अलग अलग तरीके के आते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं, ऐसा अंगूठे में डाला और उसको लपेट लिया, ये देखो ये बन गया, तो ये पकड़ बन जाती है। तो ये जॉइंट अगर वीक है तो दोनों हाथ में ऐसे जॉइंट में रिस्ट बैंड लगा, है ना, कमर में तो लगाएगा, लेकिन कमर में और ज्यादा वीकनेस है तो बेल्ट भी लगा सकते, रिस्ट बैंड लगाया, रिस्ट बैंड के अलावा जैसे कोहनी, कोहनी में दर्द है ना, जो हम अभी प्रोसेस कर रहे हैं वो बहुत पावरफुल प्रोसेस, कोहनी में दर्द है, क्या करेंगे, कोहनी का बैंड आता है इस तरीके का, आप उसको पहन सकते, थोड़ा कोहनी पर लगा दो, इससे क्या होगा, सपोर्ट मिला रहेगा उस एरिया में, थोड़ा सपोर्ट रहेगा, ये थोड़ा टाइट रहता है ना, उसके बाद आप इसका मूवमेंट करेंगे तो ये नुकसान नहीं होगा। अगर ये दर्द हो रहा है आपका एरिया और बिना कुछ ऐसे सपोर्ट के मूवमेंट करेंगे तो फिर आपको दर्द होगा, आपको ठीक नहीं लगेगा, हमें नुकसान नहीं करना अपने शरीर का, हमें इसका स्ट्रेंथ बिल्ड करना है। पांव में, घुटनों में है तो इस तरीके का बैंड आता है, घुटनों में से पहन सकते, एंकल में भी यही इसी तरीके का बैंड आता है, एंकल में पहन सकते, तो ये इंश्योर करें, नहीं तो अगर वो नहीं है तो किसी भी तरीके का इलास्टिक बैंड उसको आप लपेट सकते हैं, है ना, बांध भी सकते हैं या कपड़ा भी बांध, जैसे वो गर्म पट्टी आती है ना, वो चीज भी बांधी जा सकती है,
मगर जहां भी वीकनेस लग रहा है ना आपको, वहां थोड़ा आप टाई करके करें। अगर गर्दन में बहुत दर्द होता है तो नेक बैंड का इस्तेमाल करें, जो कि आमतौर पे किसी भी दुकान में मिल जाएगा आपको, है ना। ये फिजियोथेरेपी में इसका काफी वो लोग सजेस्ट करते हैं, पर हम अभी अपने प्रोसेस को करने के लिए इनका सपोर्ट। तो जो भी एरिया पेन कर रहा है ना, वहां पे थोड़ा सपोर्ट डालना है, थोड़ा टाई करना है, कपड़ा बांधो, बैंड बांधो, इस तरीके की चीज, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। क्योंकि अभी हम जो मूवमेंट कर रहे हैं ना, वो आपके शरीर को खोलेगा, वो पूरा खोल देगा शरीर को, और धीरे धीरे शरीर में बड़ी शक्ति आ जाएगी। आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद आप बहुत यंग महसूस करेंगे। लेकिन क्या दर्द नहीं आना चाहिए, इसलिए सपोर्ट लेना है।